आलिया अपनी चाल में हुई कामयाब, आलिया अरमान हुए एक। 200 सीरियल उडारिया में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां आलिया लगातार कोशिश कर रही है अरमान को अपने करीब लाने की। ऐसे में आजमा भी मोगा वापस आ गई है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अरमान को पता चलेगा कि आजमा उसके आसपास है, उसे महसूस होगा, इसीलिए आजमा को ढूंढते ढूंढते अरमान पहुंच जाएगा आजमा के घर। ऐसे में यहाँ पर आजमा के पापा हो जाएंगे बहुत ज्यादा गुस्सा और अरमान को लेकर चलेंगे उसके घर और उसकी फैमिली को बोलेंगे कि ये हमारे घर पहुंच गया था, जब आजमा को ढूंढना चाहिए था तब तो ढूंढा नहीं, अब आया है, इसको समझा दीजिए। ऐसे में ये जानकर आलिया के उड़ जाएंगे होश, आलिया घबरा जाएगी ये सुनकर कि एक बार आजमा फिर से वापस आ गई है। ऐसे में आलिया अब अरमान को अपने करीब लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, वो हर वक्त अरमान के आसपास रहेगी, मेहर को भी अपने करीब लाएगी ताकि अरमान आलिया से प्यार करने लगे। अरमान अब सबसे ज्यादा अपनी बेटी मेहर से प्यार करता है, इसीलिए आलिया के पास मेहर ही एक वो जरिया है जिसके कारण वो अरमान के करीब जा सकती है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आलिया अरमान को रिझाने की पूरी कोशिश करेगी और फिर से अरमान के मन में भरेगी आजमा के खिलाफ जहर। अरमान के दिल में आज भी आजमा है, लेकिन गलतफहमी की वजह से अरमान आजमा से दूर जाना चाहता है, लेकिन अरमान बहुत ज़्यादा तकलीफ में है जब से आजमा से दूर हुआ है और हर दिन यही सोचता है कि आजमा ने अरमान को धोखा क्यों दिया। इसी बात का फ़ायदा अब आलिया उठाने वाली है। आपको बता दें, आजमा और अरमान की बेटियां एक ही स्कूल में हैं और आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अरमान आजमा के बच्चे अपने मम्मी पापा को मिलाने का करेंगे काम, लेकिन आलिया ऐसा होने नहीं देगी। आलिया बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अरमान आजमा का आमना सामना हो, इसीलिए आलिया अरमान को रिझाने की करेगी कोशिश और अपना बनाने की करेगी कोशिश, चलेगी चाल। अब देखना होगा क्या अरमान को पालेगी आलिया या फिर आजमा के वापस आने से अरमान फिर से आजमा पर करेगा भरोसा। इन दोनों की होंगी गलतफहमियां दूर। क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।